यदि कोई कहे कि जी जो वेद मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सात्विकता के मार्ग पर, धर्म सत्य न्याय के मार्ग पर चलने की जो बात करते हैं, इन लोगों में माने हम जो ये लोग ना स्वभाव से भगवा विरोधी हैं। भगवा शब्द आते ही, धर्म शब्द आते ही, ऋषि शब्द आते ही, गाय शब्द आते ही, संस्कृत और संस्कृति शब्द आते ही इनको चिढ़ होती है। उसको ये गाली देना शुरू कर देते हैं बस, और विरोध करना शुरू कर देते हैं, कोई उसमें तर्क नहीं होता है। तो ऐसे पूरी दुनिया में करीब 10 से 20% लोग हमारी परंपरा के हैं, जो ऋषियों को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो गाय को मानते हैं, जो अहिंसा को मानते हैं। खाली गाय को ही नहीं, हम लोग मात्र गाय नहीं, हम सभी प्राणियों की प्रति प्रेम की बात करते हैं। करीब 10 से 20% लोग हमारे विचार के हैं, करीब 10 से 20% हमसे विपरीत विचार वाले लोग हैं। और इन्होंने भारत में, जैसे ओबीसी, भारत में दलित, भारत में मुसलमान, भारत में ईसाई, और एक शब्द में बोले तो अल्पसंख्यक, इनको जो है अपने साथ ले लिया। और इस पर पूरी दुनिया के आने वाले 25, 50, 100, 200, 500 सालों की लोग योजना बना के काम कर रहे हैं। यद्यपि इनकी योजना ऐसी ही होगी जैसे अंग्रेज भारत में सोचते थे कि हम 500 साल राज करेंगे, ऐसा उनका सपना था। आने वाले समय में पूरी दुनिया बदल रही है, और हम लोगों को अपने विचार के लोगों की संख्या बढ़ानी है। करीब 80% लोग अलग अलग क्षेत्रों में, 60 से 80% लोग न्यूट्रल हैं। कितने हैं, कितने प्रतिशत बताया मैंने? 60 से 80% लोग न्यूट्रल हैं। उनको सब अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं अब कि ये हमारे खेमे में आ जाएं तो हम ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इन 60 से 80% लोगों के ऊपर जोर आजमाइश होती है। अब कैसे कैसे होती है जरा सुनो। इसमें ये जो 60 से 80% लोग हैं, इनमें जो बीड़ी बेचने वाले हैं, सिगरेट बेचने वाले हैं, शराब बेचने वाले हैं, मांस बेचने वाले हैं, जो भोग विलासिता को परोसने वाले हैं, अर्थात ये जो नाचने गाने वाले, फिल्म बनाने वाले, ये लोग हैं भोगवादी संस्कृति का जो जो है प्रचार प्रसार करने वाले, और उसके द्वारा लोगों का सामर्थ्य छीनने वाले। भोग विलासिता वालों का काम क्या है? लोगों को पागल बनाओ, लोगों को पागल बनाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ, लोगों की कमजोरियों को उभारो और उनको उनको पराधीन बनाओ, विषयों के अधीन बनाओ, उनको दुर्बल बनाओ, और उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करो, उनका भावनात्मक शोषण करो, उनका और उनसे पैसे ऐंठो। एक हीरो फिल्म बनाता है, एक हीरोइन फिल्म बनाती है, उसको 10-20 करोड़ लोग देखते हैं, और 500 करोड़ रुपए से लेकर के 1,000 करोड़ का वो फिल्म बिजनेस करने लेती है। कितने का बोला मैंने? 500 करोड़ रुपए से लेकर के कितना? करीब 1,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर लेती है। आपने सुना होगा फिल्म ऐसी बनाते हैं कि उसके पीछे एक दो वाक्य ऐसे रखेंगे कि इससे कुछ तो कुछ प्रेरणा मिलती है। मैं अभी किसी स्पेसिफिक सीरियल या स्पेसिफिक फिल्म की ओर नहीं बात करूंगा,
लेकिन फिल्म का सी ऐसा शीर्षक ऐसा होगा कि इसमें तो कुछ विशेष गौरव की बात है, लेकिन परिणाम उसमें किसका आएगा? मांसाहार को बढ़ाना, हिंसा को बढ़ाना, सांप्रदायिकता को बढ़ाना, उसके अंदर भोग को महिमामंडित करना, अपने पूर्वजों की परंपरा का अनादर करना। तो एक ये तबका बहुत बड़ा कि हमारे मैकडॉनल्ड्स के ऊपर भीड़ लग जाए, हमारे KFC के ऊपर भीड़ लग जाए, हमारे पिज़्ज़ा बर्गर के ऊपर भीड़ लग जाए, पूरी दुनिया में, ये एक देश की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में इस तरह की इसको बोलते हैं लोबिंग। क्या बोलते हैं इसको? लोबिंग। पूरी दुनिया में दो शब्द बोले जाते हैं, लोबिंग एंड लाइजनिंग। आज के लिए बिजनेस हो गए हैं, पहले लोबिंग और लाइजनिंग करने को लोग घटिया समझते थे, अब दुनिया के ताकतवर लोग, ताकतवर इंस्टीट्यूशंस और ताकतवर ताकतवर देश, कंट्रीज, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। पूरी दुनिया में अमेरिका कोशिश करता है कि उसकी लोबिंग स्ट्रांग हो, चाइना कोशिश करता है उसकी लोबिंग स्ट्रांग हो, यूरोप कोशिश करता है, ब्रिटेन कोशिश करता है उसकी लोबिंग स्ट्रांग हो। भारत में तो अब ये सोच ही पैदा नहीं हुई। तो ये जो लोग हैं, ये जो स्वच्छंदतावादी लोग हैं, ये जो भोगवादी लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, और इसमें चंद लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण से पूरी समष्टि को, पूरी भीड़ को, पूरे समूह को बाजार समझते हैं, इसको मैं दूसरा शब्द बोलूं तो ये भोगवादी के साथ साथ ये बाजारवादी संस्कृति है। ये बाजारवादी कहो या भोगवादी कहो, उपभोक्तावादी कहो, या इसको तामसिक और राजसिक संस्कृति कहो, इसमें बीड़ी, सिगरेट, शराब बेचने वाले, मांस अंडे बेचने वाले, जूते चप्पल बेचने वाले, फिर कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर कोई जहर मिले पानी बेच रहे हैं, क्या क्या, माने चंद लोग उसमें अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग गरीब हो जाते हैं। लेकिन इसको ऐसा बोला जाता है कि हम ये न्याय के लिए कर रहे हैं, इससे सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, इससे लोगों को आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। इनके नारे होते हैं फ्रीडम, इनके नारे होते हैं, मैंने कहा जस्टिस, इनके नारे होते हैं इक्वलिटी, इनके नारे होते हैं समाज में प्रॉस्पेरिटी, ये इनके नारे हैं। ये इक्वलिटी के नाम पर, प्रॉस्पेरिटी के नाम पर, ये फ्रीडम के नाम पर, और ऐसे लोगों का पागल बनाए हुए हैं। तो एक तो इसमें बाजारवादी संस्कृति हावी है जो सबको लूट रही है और हम लूटे जा रहे हैं उसमें। तो एक तरफ आर्थिक लूट भोगवाद के नाम पर, समृद्धि के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, प्रॉस्पेरिटी के नाम पर, इक्वलिटी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, हार्मनी के नाम पर, हैप्पीनेस के नाम पर, माने ऐसे नारे घड़ दिए गए, नारे हैं ये, जैसे राजनीतिक नारे दिए जाते हैं ना अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। आपके नेपाल में अलग नारे चलते हैं, हिंदुस्तान में अलग नारे चलते हैं, अमेरिका में अलग नारे चलते हैं, जापान में अलग, चाइना में अलग, अफ्रीका में अलग, कोरिया में अलग, साउथ और नॉर्थ कोरिया में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, अलग अलग नारे हैं, इधर मिडिल ईस्ट कंट्री में अलग नारे हैं। तो ये नारे दिए जाते हैं, नारों के पीछे सत्य नहीं होता है, नारों के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी होती है उसके पीछे। जरा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, ये है एक आर्थिक षड्यंत्र कि सारी दुनिया को लूटो, मैंने उनको, उनके लिए सारी दुनिया एक बाजार है। और हमारी जो वेद संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, हमारी जो ये सात्विकता की संस्कृति है, ये जो ऋषियों का पथ, वेद का पथ, भगवान का पथ, सात्विकता का पथ, पुण्य का पथ, और विशुद्ध रूप से ये
पौण सत्य न्याय का पथ, और सच्चे अर्थों में जिसको हम आज़ादी कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं, सच्चे अर्थों में जिसको वननेस कहते हैं, कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, जस्टिस कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं, उसका मार्ग है हमारा। इसमें दुनिया हमारे लिए एक बाजार नहीं, दुनिया हमारे लिए एक परिवार है।